Good morning, dear students. Now we have till we have studied about the quantum numbers and what are quantum numbers? Principal quantum number, magnetic quantum, spin quantum, and we have gone through this principal and spin quantum numbers. So now we are going to proceed for the further. Actually, here if you see the syllabus, first of all, in the first unit, it is a fundamental organic chemistry. They have shown electronic displacement, definition, examples, applications of inductive effect, electromeric resonance, hyperconjugation, homolysis, heterolysis. Okay, but first of all, we will start it with structure, shape, and reactivity of organic molecules. That will start with hybridization. Okay. And then we will go for nucleophile, electrophiles, and then we will further move for the electronic displacement. That will be the sequence in our study. So here, and then later on we will see the type of reactions and the strength of organic acids and bases. Okay. So till now we have studied about the quantum numbers. But now we are going to study about the that is hybridization. But before proceeding towards the hybridization, what were the rules and what were the conditions placed and how this hybridization definition has just come across, or ye hybridization ye word kaise utpanna hua, first of all wo dekhenge. Humne abhi tak covalent types of bonds bhi dekhe. We have seen the types of bonds. And then in the further study, we are going to see about the hybridization. लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लेवी structure है, Vesper theory है, valence bond theory है, वो होने के बाद then the concept of hybridization came into existence. Okay. So in the first slide, we will see number of covalent bonds to an atom. Atom with 1 or 2, 3 valence electrons form 1 or 2, 3 बॉन्ड्स. ये तो मालूम है कि अगर एक या दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होते हैं. ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में वो पढ़ा है. एटम्स विथ 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म एज मेनी बॉन्ड्स एज दे नीड इलेक्ट्रॉन्स टू फिल द एस एंड पी लेवल्स ऑफ देयर वैलेंस. अभी बॉन्ड्स तो एक दो तीन ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, फिर उसको हम लोग अलग अलग नाम भी बोलते हैं. सिंगल बॉन्ड रहा तो फिर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग में, लेकिन फिर वो बॉन्डिंग में भी डिफरेंस है. तो उसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए हम बॉन्डिंग कैसी होती है वो देखेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेविस मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस है, किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है देखेंगे. So in 1916, G.N. Lewis proposed that atoms combine in order to achieve a more stable electronic configuration. ठीक है, अगर more stable electronic यानी atom molecule बनने के लिए bonding important है, and to achieve that bonding, Lewis proposed the atom. वहाँ पे जहाँ पे हम देखेंगे कि structural जो electron प्लेसमेंट है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड. ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम स्टेबिलिटी रिजल्ट्स व्हेन एन एटम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अ नोबल गैस. अभी स्टेबिलिटी कब बनेगी, जब अगर कोई एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि दो एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नियर बाय सेम है. ओके, आइसो बोलने से क्या, सेम. इलेक्ट्रॉनिक यानी क्या, इलेक्ट्रॉन्स. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है अगर सेम रहा तो हमको स्टेबिलिटी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर होगा तो हमको स्टेबल मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलेगा. एंड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम कॉन्स्टिट्यूट कोवेलेंट बॉन्ड. अभी देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट, सिर्फ भाषा बदली है, ओनली लैंग्वेज इज डिफरेंट. ओके, यहाँ पे सिर्फ नोबल गैसेस है, बाकी जो उसका मीनिंग है इट्स सेम. दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम विल कॉन्स्टिट्यूट अ कोवेलेंट बॉन्ड. अभी हम लेविस ने किस प्रकार सिंबलाइज किया एटम को वो देखेंगे. अभी हमने क्लोरीन स्ट्रक्चर देखा है, वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस. ओके, अब ये 7 इस प्रकार डिनोट करते हैं लाइक डॉटेड फॉर्म्स.
ओके सो लेवी स्ट्रक्चर बोलने से दी इलेक्ट्रॉन्स आर सिंबलाइज्ड इन डॉटेड फॉर्म्स. ओके कोई भी एटम हो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा इन अ डॉटेड फॉर्म. ईच डॉट इज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा हर एक डॉट है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. नाउ लेवी स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स. अभी देखो बॉन्डिंग कैसे होगा. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के दूसरे एटम के हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग होगा. यहाँ पे भी आप देखते हो कि क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ बॉन्डिंग शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है. ठीक है सो लेवी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होते हैं. ठीक है एक तो लेवीस जो है वो डॉटेड फॉर्म में रहता है. यहाँ पे हम उसकी बॉन्डिंग दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे एटम के अदर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्लोरीन के ही. ओके सो दिस टाइप्स आर रिप्रेजेंट इन लेवी स्ट्रक्चर. लेवी स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग. बॉन्डिंग भी दिखाता है नॉन बॉन्डिंग. अब नॉन बॉन्डिंग बोलने से ये जो है दीज आर नॉन बॉन्डिंग. फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि ओनली वन 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 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन हैज जस्ट बीन शेयर्ड विथ अनादर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम. ओके सो इट टेक्स पार्ट इन द बॉन्डिंग. नेक्स्ट द ऑक्टेट रूल. नाउ हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स पहले हाइब्रिडाइजेशन के पहले हमको ये देखना है कि लेवी स्ट्रक्चर क्या होता है ऑक्टेट रूल क्या है फिर उसका वेस्पर थियोरी क्या है वैलेंस बॉन्ड थियोरी क्या है देन वी विल गो फॉर दी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एंड देन वील फर्दर प्रोसीड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन टर्म. ठीक है अभी ऑक्टेट रूल. इन फॉर्मिंग कंपाउंड एटम गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन टू गिव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन कैरेक्टराइज बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल बोलने से जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रहा है गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन टू गिव अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन. ओके एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे आप देख रहे हो 6 7 8 छ 1 2 2 वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड दिस इज 6 7 8. ठीक है तो दिस इज एन ऑक्टेट दैट इज फुलफिलिंग दी दैट इज ऑक्टेट रूल. द ऑक्टेट रूल इज द मोस्ट यूजफुल इन केसेस ऑफ कार्बन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है एंड फ्लोरीन है. अब हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल किसी वैलेंस ऑफ कार्बन्स में. कार्बन में देखो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस होते हैं. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अगर रिएक्ट होते हैं तो इस किस प्रकार हम उसको लेवी स्ट्रक्चर. बच्चों दिस इज व्हाट दी लेवी स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट. ओके सो इन दिस वे वी आर शोइंग दिस लेवी स्ट्रक्चर दैट इज कार्बन हाइड्रोजन. ओके कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. तो इस प्रकार वी गेट दी मीथेन मॉलिक्यूल. बट इन दिस मीथेन मॉलिक्यूल